हेलो एवरीवन, टाटा रिक्रूटमेंट 2023 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में वैकेंसी निकाली गई है। बैचलर और मास्टर डिग्री यदि आपने किया है तो आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्वाइनिंग जो है वो बिल्कुल नवंबर तक आप लोगों की हो जाएगी। यहां पर ज्यादा जो है टाइम नहीं लगने वाला, कोई फीस नहीं लगेगी, ना ही कोई एग्जाम होगा। इंटरव्यू के बेस पर जो है यहां पर सिलेक्शन रहेगा। सभी राज्यों से फ्रेशर भी जो है यहां पर एलिजिबल रहने वाले हैं। तो चलिए बाकी चीजें जो है हम डिटेल में एडवर्टीजमेंट में देखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को मेन वेबसाइट पर आना है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, और यहां पर आप लोगों को ओपनिंग में प्रोजेक्ट पोजीशन में आप लोगों को जितनी एडवर्टीजमेंट आई हैं वो सब भी आपको दिखाई देंगी। तो इस वीडियो में हम तीन एडवर्टीजमेंट कवर करेंगे। सबसे पहली जो कि पब्लिश हुई है 21 अक्टूबर 2023 को, एडवर्टीजमेंट फॉर अ रिसर्च असिस्टेंट एंड फील्ड इन्वेस्टिगेटर SHSS TISS मुंबई। तो इसकी लास्ट डेट 28 अक्टूबर है। दूसरी जो कि लास्ट डेट 28 अक्टूबर ही है, जो कि नॉन टीचिंग पोजिशन की रहेगी। तीसरी जो एडवर्टीजमेंट है वो रिसर्च असिस्टेंट की है, SMCS और TISS की है। इसकी 27 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो चलिए एक एक करके जो है हम देख लेते हैं कि आप जो है कहां पर एलिजिबल हैं। यदि इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है सारी जानकारी आपको लेनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो नॉन टीचिंग पोजिशन की जो है वैकेंसी वो हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस हो, तो यहां पर आप नीचे देखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ पोजीशन, कितनी जो है वैकेंसी है। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो फील्ड इन्वेस्टिगेटर की है, उसके बाद सीनियर रिसर्च एसोसिएट की है, रिसर्च एसोसिएट की है। तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए फील्ड इन्वेस्टिगेटर की जो है कवर कर देती हूँ। लोकेशन इसकी उत्तर प्रदेश रहेगी। तीनों ही एडवर्टीजमेंट में देखिए जॉब लोकेशन बिल्कुल दिखाई गई है, जैसे सीनियर रिसर्च एसोसिएट और रिसर्च एसोसिएट की जो है वो मुंबई है, ठीक है। तो यहाँ फील्ड इन्वेस्टिगेटर में जो है क्वालिफिकेशन जो है वो क्या रहने वाली है, तो यहाँ लास्ट डेट जो है वो 28 अक्टूबर है। इंटरव्यू जो है वो 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक जो है वो रहने वाला है, और ज्वाइनिंग भी जो है आप लोगों को मिल जाएगी नवंबर में ही। फील्ड एंड रिसर्च के लिए फील्ड इन्वेस्टिगेटर की जो 33 यहाँ पर वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो बैचलर डिग्री मांगा गया है बस एजुकेशन या ह्यूमैनिटीज में, ठीक है। और बाकी जो है अगर एजुकेशन के फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है तो आपका जो है यहाँ पर आप फॉर्म भर पाएंगे। ₹1000 जो है वो पर डे के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, यानी 30,000 जो है वो आप लोगों को पर मंथ यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। जॉब लोकेशन जो है वो क्या रहेगी, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश रहने वाली है। ज्वाइन द पोस्ट ऑन और बिफोर 6 नवंबर 2023, 6 नवंबर तक जो है आप लोगों को यहाँ ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो यहाँ इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे तो उनको जो है 31 अक्टूबर 2023 जो है यहाँ पर इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो है सीनियर रिसर्च एसोसिएट की एक ही जो है वो वैकेंसी है, और मेरी पर्सनल राय है कि इसमें अगर फॉर्म ना भरें तो ही बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट सोशल साइंस में जो है यहाँ पर मांगा गया है, या फिर डॉक्टरेट इन एजुकेशन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो 3 महीने का जो है यहाँ केवल 3 महीने का जो है वो काम रहेगा, और सैलरी जो है वो 55,000 से 60,000 तक आप लोगों को मिलने वाली है। सिलेक्टेड कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन विद इन 15 डेज ऑफ देयर सिलेक्शन। तो यहाँ पर 3 महीने का ही है, तो ये थोड़ा सा रिस्की जो है रहता है, क्योंकि 3 महीने बाद जो है बिल्कुल भी आप लोगों के सामने कोई भी जॉब नहीं रहेगी, ठीक है। तीसरी जो यहाँ पर एक ही पोजिशन, एक ही वैकेंसी रिसर्च एसोसिएट की है, तो ये भी मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगी, क्योंकि इसमें भी क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन तो स्टूडेंट के पास रहती है, मास्टर डिग्री इन एजुकेशन या सोशल साइंस या एमएड या फिर इसके इक्विवेलेंट, ठीक है, या फिर बैचलर इन एजुकेशन सोशल साइंस या बीएड। बाकी यहां पर भी जो है ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट जो है वो केवल 3 मंथ का ही है, और 40,000 से 45,000 तक सैलरी मिलेगी। लोकेशन यहां पर जॉब की रहेगी मुंबई, और बाकी जो है यहां पर सिलेक्टेड कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइनिंग विद इन 15 डेज ऑफ देयर सिलेक्शन। तो यहाँ पर जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर की जो वैकेंसी है वो मुझे थोड़ा सा बिल्कुल सही लगी है। 33 जो है इसमें वैकेंसी भी ठीक है, और क्वालिफिकेशन भी जो है वो ज़्यादा हायर नहीं है। बैचलर डिग्री अगर आपकी एजुकेशन में या ह्यूमैनिटीज में है, अगर आपने एजुकेशन की फील्ड में कोई एक्सपीरियंस है, 1 साल का 2 साल का ऐसा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर, अगर 1 साल का भी है तो भी आप यहाँ पर जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। 30,000 तक आप लोगों को सैलरी यहाँ पर मिलेगी। इंटरव्यू में जो है फटाफट हो जाएगा, और ज्वाइनिंग भी जो है यहाँ पर जल्दी होने वाली है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये जो वैकेंसी है रिसर्च असिस्टेंट की और फील्ड इन्वेस्टिगेटर की है,
यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट की जो है 32,000 जो है सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने पब्लिक हेल्थ में या सोशल साइंस में किया है 55% मार्क्स के साथ, या फिर आपने हायर क्वालिफिकेशन जैसे एमफिल है, पीएचडी है, ये भी किया है, तो भी आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। फील्ड इन्वेस्टिगेटर में भी 30,000 पर मंथ है क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट एनी सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस की कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 55% मार्क्स भी जो है होने चाहिए, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर नहीं मांगा गया है। कैसे अप्लाई करना है, तो ये जो है ईमेल एड्रेस है, इस पर जो है वो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म सीवी और बाकी जो है अपने डॉक्यूमेंट जो है इसमें सेंड कर देने हैं 28 अक्टूबर 2023 तक। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर द इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जिनको भी जो है ये शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, जो भी इन्होंने मांगा है, तो उसे जो है ये फुलफिल करते हैं। यहाँ पर जो है रिसर्च असिस्टेंट की उसके बाद जो है वो वैकेंसी है, और जॉब लोकेशन जो है वो मुंबई यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी मास्टर डिग्री, सोशियोलॉजी में किया आपने, पॉलिटिकल साइंस में किया, अर्बन स्टडीज में, एंथ्रोपोलॉजी में, मीडिया स्टडीज में, मास कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो आप यानी सोशल साइंस से रिलेटेड अगर आपने मास्टर डिग्री की है, क्योंकि यहाँ लिखा है अदर अलाइड फील्ड्स, किसी भी फील्ड में आपने किया है, तो आप यहाँ पर जो है एप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है। जो ड्यूरेशन एंड लोकेशन, तो यहाँ पर लोकेशन तो आपकी रहेगी मुंबई, और 6 महीने का ही जो है यहाँ पर वर्क रहने वाला है, ठीक है। और 25,000 जो है पर मंथ यहाँ पर सैलरी रहेगी। 27 अक्टूबर लास्ट डेट है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो वो अपने जो लेटेस्ट सीवी एंड ब्रीफ नोट एक्सप्लेनिंग योर इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट, कि आपका जो है इस प्रोजेक्ट में जो है क्यों रुचि है, तो ये थोड़ा सा जो है अपने सीवी में एप्लीकेशन फॉर्म में जो है वो लिख कर और इस पर जो है वो सेंड कर देंगे अपनी क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें जो हैं इस ईमेल आईडी पर। तो सभी की जो ईमेल आईडी है वो बिल्कुल अलग अलग है, और इसका जो लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी ताकि आप लोग और भी चीज़ें जो है वो डिटेल में जान सकें। तो ये सभी जो है वो तीनों एडवर्टीजमेंट जो जारी हुई हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मेन वेबसाइट पर आना है। मेन वेबसाइट पर सबसे नीचे जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को जॉब पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आप लोगों को यहां पर ओपनिंग में थर्ड जो प्रोजेक्ट पोजीशन है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तीनों ही एडवर्टीजमेंट यहां आप लोगों को मिल जाएंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, तो आपको मैंने सारी डिटेल जो है वो बता दी है। बाकी एडवर्टीजमेंट आप ओपन करके और भी चीजें जान लें और उसके बाद जो है एप्लीकेशन करें, ठीक है, क्योंकि यहां पर ज्वाइनिंग जो है वो बिल्कुल जल्द हो जाएगी, नवंबर तक, ज्यादा दिन नहीं है नवंबर आने में। तो चलिए, ऐसी ही वैकेंसी जैसे ही आती है बिल्कुल मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो आप लोगों को मिल सके जॉब से संबंधित। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।